राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सड़क के किनारे हो रहे अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी पुलिस बल के साथ चलाया अभियान। क्या नाम है आपका? मैं रोहतास कुमार है सर। मैं रोहतास जी, कहाँ के रहने वाले हो? हटेला का रहने वाला हूँ जनाब। क्या मामला है? आज NHAI की टीम आई हुई है जिसको लेकर आपकी ओर से विरोध किया जा रहा है, क्या मामला है? सर 30 मीटर में जो है होर्डिंग अलाउड नहीं है, 30 मीटर खाली है। मैंने पहले 30 मीटर में पार्किंग बना रखी थी, वो इन्होंने मैं अपने इनके कैक हटा दी। मेरा 30 मीटर खाली है। अब यहाँ से वहाँ तक जितने भी होटल है सब अनऑथराइज है। मैंने CLU करा रखी है और वो आज भी मेरे आगे होर्डिंग लग रही है। यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं रोकता, आते हैं 2 मिनट खाली फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, यही लगवा देते हैं, फिर बस खत्म। कहानी कुछ नहीं है सर, फॉर्मेलिटी है, लोगों को परेशान कर रहे हैं, गरीब आदमियों को परेशान कर रहे हैं। आपका कहना है कि NHAI 30 मीटर खाली करो। बिल्कुल सर, आपका कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे जितने होटल है अवैध है, इनकी जाँच होनी चाहिए। जाँच नहीं, तोड़वाने चाहिए। अवैध है अवैध है सर, अवैध तो अवैध ही है। फिर सरकार किस बात की है, प्रशासन किस बात का है? अनऑथराइज है, इनकी जाँच होनी चाहिए और इनको तोड़वाने चाहिए सर। नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, जो लाइट लगाई हुई है NHAI का कहना है कि अवैध रूप से लगाई हुई है, अतिक्रमण है। क्या है पता, अगर हम बिजली का बिल नहीं दे रहे हो, कहीं से चोरी का कनेक्शन करके कर रहे हो तब तो ये भी है। और फिर इधर डकैती होती है, चोरी होती है, आप खुद थाने में जाके देख लो यहाँ कितनी बाइक है यहाँ पे, मतलब लूट की है, कितनी जो पैसे गरीब आदमी उनको कितना परेशानी हुई गाड़ी में, ये बताओ। NHAI का कहना है कि नियमों के विरुद्ध है। नियमों के क्या मतलब आप बताओ, अगर कोई बोर्ड हो तब तो ये भी है। ये यहाँ उजाला हो रहा है जिससे किसी ट्रक वाले को या किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई लूटपाट ना हो, इसलिए।